हम तो सरकार से ये अपील करते हैं हर वक्त कि हमारे पिताजी को संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को जल्दी से जल्दी इस आश्रम में हमारे बीच में लेके आए, ताकि ये जो दोबारा से फिर से बुराइयां बढ़ चुकी हैं, लोग फिर से गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उन वो वापस आ सके, वो फिर से एक सच्चाई की राह पे चलने। नमस्कार, मैं अंकुश और द फैक्ट आई की टीम आज फिर पहुंची है लोगों के बीच जानने की क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच, क्या सच में बाबा राम रहीम के पीछे किसी की साजिश है या ये सब कुछ एक झूठ का पुलिंदा। जानते हैं इन महिला से कि ये क्या जानती है डेरा सच्चा सौदा के बारे में। मैम, आपका नाम? रिचा शर्मा। कहाँ से आई हैं? जगाधरी। मैम, डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हैं आप? जी। कितने साल हो गए होंगे? होंगे मेरे को 18-19 साल। मैम, 18-19 साल काफ़ी होते हैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने में। ऐसा लगता है कि आपने कोई 18 साल का बच्चा, मैं तो शुरू से किसी को ध्यान से देखते हैं तो हर आदत उसकी पता होती है, सब कुछ पता होता है, उसकी बारीकियाँ पता होती हैं। तो डेरा सच्चा सौदा के भी आपने काफ़ी देखा होगा, आते जाते रहे होंगे, कभी भी कुछ गलत होते देखा है यहाँ? जी नहीं, हमने ऐसा कभी कुछ गलत होते नहीं देखा है यहाँ। जी, ऐसा क्या है यहाँ पे जो लोग आज भी, इतने करोड़ों लोग आते हैं आज भी, मतलब बाबा राम रहीम यहाँ पे है नहीं फिलहाल, फिर भी इतने करोड़ लोग आते हैं? जैसे अभी देखा था 25 जनवरी को भी काफ़ी भीड़ उमड़ी थी यहाँ पर कि पैर रखने की जगह नहीं थी। डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जहाँ पे मतलब आके हमें ये असलियत में पता चलता है कि इंसानियत क्या चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे लेडीज जो हैं वो अपने आप को प्योरली सेफ फील करती हैं। मीन्स आप ये सब उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं? तो इन महिला ने अभी बयान दिया है कि यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। जी जी, और क्या बताएंगी आप, डेरा सच्चा सौदा में क्या कुछ होता है? डेरा सच्चा सौदा में जैसे एक मैंने बताया कि लेडीज अपने आप को सेफली फील करती हैं, जैसे घर में पेरेंट्स भाई हैं वैसे ही यहाँ पे हैं। और पिताजी ने यहाँ के लिए, यहाँ मतलब दुनिया के लिए काफ़ी जो है किया है, सुख खुशियों का काम किया है, जैसे सुविधाएं, सुख सुविधा दी है, ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स जो बनाई है, कहीं पे भी किसी को भी मुसीबत आती है वो ये नहीं देखते कि वो हमारे डेरा से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, तो अपनी जान पे खेल के उनकी जान को बचाने के लिए। कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये बाबा के कुछ लोग ये खाकी वर्दी पहन के क्यों घूमते हैं, क्या ये किसी पुलिस वाले की रीस करने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है? तो आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा की ये एक फोर्स है, शाह सतनाम जी ग्रीनेस्ट फोर्स विंग, जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने उन लोगों की ज़रूरतमंद के लिए बनाई है। जैसे कहीं पर बाढ़ आती है, कोई भी आपदा आती है, तो ये फोर्स सबसे पहले वहाँ पर जाती है, जो कि बिल्कुल निस्वार्थ, इन्हें कोई पे नहीं किया जाता, कोई फंड नहीं लेते, ये बस निस्वार्थ भावना से इंसानियत के लिए ये वहाँ पर जाकर लोगों की जान बचाते हैं, खुद की जान पर खेल कर, चाहे वो घग्गर नदी के टूटने पे इनके शरीर मतलब यहाँ तक सबके पानी भर चुका था, फिर भी इन लोगों ने वहाँ गाँव को बचाने के लिए दिन रात लगे रहे थे, जिसमें इनके 3 दिन के प्रयास के बाद गाँव को डूबने से बचा लिया गया था। तो मैम बताएंगी कि क्या शिक्षाएँ देते हैं आपको बाबा राम रहीम, जो आज आप सब यहाँ पर हो फिलहाल भी अपना टाइम देते हो यहाँ पर आके? हमें बाबा जी यही शिक्षा देते हैं कि जितना हो सके सबसे प्रेम करो, किसी से भी नफरत नहीं करो, किसी को दूसरा मत समझो। उन्होंने हमारे नाम के लिए, इसीलिए नाम के साथ इसीलिए इंसा जोड़ा है कि सब जात पात से छुटकारा हो जाए, सबका सब एक ही उसमें बन जाए, सबकी जात इंसानियत है, कुछ नहीं। तो आज हमारे व्यूवर्स को ये भी पता चल गया होगा कि डेरा सच्चा सौदा के लोग अपने नाम के पीछे इंसा क्यों लगाते हैं। इसका पूरा पूरा मतलब ये है कि यहाँ पर कोई जाति धर्म मजहब के साथ भेदभाव नहीं होता, यहाँ पर कोई किसी धर्म से नहीं है, सबकी सिर्फ एक जात है, वो है इंसान। तो मैम आपको क्या लगता है कि आज बाबा जी समाज में एक्टिव नहीं है, इससे समाज में कोई फर्क पड़ रहा है, कोई भी बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव? जी हाँ, जैसे फिर से ये नशे बढ़ गए हैं दुनिया में, फिर से ठगी चोरी बढ़ गई है जी। हम यही कहते हैं कि हमारे बाबा जी, हम ये नहीं कहते कि हमारे लिए जी, दुनिया के लिए हमें पिताजी की बहुत जरूरत है जी। तो हम यही, तो मैम किस तरीके से बाबा जी नशों पर और ये चोरी ठगी बेईमानी पर ऐसे क्या रोक लगाते थे? तो पुलिस वाले काम भी करते थे क्या बाबा जी? जी नहीं, बाबा जी जो नशे करते हैं या चोरी ठगी जो करते हैं, उनको ये कहते हैं कि आश्रम में जाओ, आश्रम में रहो, वहाँ पे रह के उनको फ्री मेडिकल दिया जाता है, उनके रहने की फ्री सुविधा होती है, खाने पीने की फ्री सुविधा होती है, जो उन्हें प्रॉब्लम होती है वो फ्री में दिया जाता है उनको। हमारे व्यूवर्स को बता दे कि जैसा कि आपने बाकी लोगों से भी सुना होगा कि डेरा सच्चा सौदा में एक सत्संग
सत्संग जो एक घंटे का होता है उसमें करीबन करीब हर बार 2 लाख के करीब लोग नशा छोड़ते हैं। तो इनका कहना है कि इन लोगों को यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप भी दिया जाता है, असल में तो दवाइयों की इन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इनका कहना है कि बाबा जी की शिक्षाओं से लोग इतना प्रेरित हो जाते हैं कि वो लोग खुद ही नशा छोड़ देते हैं यहाँ पर आकर, चाहे वो कितना भी बड़ा अमली क्यों ना हो, सब के सब यहाँ पर आकर नशा छोड़ देते हैं। तो मैम आप बताएंगे कि क्या फ़ायदे थे बाबा जी के यहाँ पर रहने के? बाबा जी के रहने के मैं पहले पहुँचूँ, क्योंकि जैसे बुराइयाँ बढ़ गई हैं तो सब छोड़ दिए थे इन्होंने, सब एक हो रहे थे धीरे धीरे, ठीक है, तो काफी संख्या में मतलब बढ़ गए थे। मैम जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा टॉर्चर होता है, और ये आज से नहीं है, महाभारत और रामायण के टाइम से, जहाँ पर हर औरत को कहीं ना कहीं अपना स्वाभिमान पर भी उनके आँच आई है, कहीं ना कहीं उनको भी काफ़ी सेक्रीफाइस करने पड़े हैं, तो हर बार महिलाओं पर ही टॉर्चर होता है। इसके लिए क्या आपके गुरुजी ने कुछ किया? क्योंकि जैसा हम सुनते हैं कि बाबा राम नहीं सबको अपना समझते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। जी, बाबा जी ने सबसे पहले लड़की को, हर एक माँ बाप को ये कहा कि लड़की को बिचारी नहीं बनाओ जी, उसे अबला नहीं बनाओ, उसे मजबूत करो, उसकी हिम्मत बढ़ाओ। और दूसरा ये जो कह देते हैं कि हम लड़कियों को नहीं रखना चाहते, पिताजी ने उनके लिए आश्रम बनाया था जिन्हें शाही बेटियां बसेरा का नाम दिया गया, जिन्हें कूड़े में फेंक दिया जाता है अबॉर्शन के बाद। जी जी जी, उनके लिए पिताजी ने कहा है कि उन्हें अबॉर्शन मत कराओ, उनका अबॉर्ट मत कराओ, कोई भी यहाँ पे लेके आओ, हम उन्हें अपना नाम देंगे। पिताजी ने उनको अपना नाम दिया है, जो इन्हें जो कहते थे वैश्य जिनको नाम दिया गया था, पिताजी ने उनको अपनी बेटियां बनाया है। क्या बात है, मतलब एक संत ने वैश्याओं तक को अपनी बेटी बनाया है। जी, किन्नर्स को अपनी बेटी बनाया, उनको सुख सुविधा समाज का दिया नाम। तो उन्होंने कहा कि कोई भी मतलब इन्हें किन्नर नहीं कहेगा, कोई भी इन्हें दुत्कारेगा नहीं, हम गले से लगाएंगे, हम अपनी बेटी बनाएंगे। जी, तो एक और बात हमारे सामने आएगी, बाबा जी ने ना कि सिर्फ शुभ देवी, ना कि सिर्फ वैश्यावृत्ति को छुड़वा कर उनको बेटी बनाकर उनकी शादी करवाई है, बल्कि किन्नरों के लिए भी यहाँ काफ़ी कुछ किया गया है। आपको बता दें कि जो किन्नरों को आज थर्ड जेंडर का जो दर्जा मिला है, जिस वजह से आज वो हर जगह नौकरियाँ कर सकते हैं, जो हक उनके पास पहले नहीं था वो सारे हक आज उन्हें मिल चुके हैं, तो ये सिर्फ बाबा जी की वजह से ही है, जिन्होंने उनके लिए कोर्ट में केस दर्ज किया था। उसके बाद से डेरा सच्चा सौदा में बाबा जी ने लोगों से प्रण भी करवाया था कि वेश्या को कभी भी किसी गलत नाम से नहीं बोलेंगे, उनके लिए कि इन्होंने नया नाम दिलाया था शुभ देवी, और किन्नरों के लिए सुख दुआ समाज। तो आप देख सकते हैं कि एक संत की कितनी महान सोच है कि वो ऐसे लोगों को, जिन लोगों को शायद हम खुद भी देखना पसंद ना करें, उनके लिए उन्हें इतने अच्छे नाम निकाले हैं। तो आप क्या अर्ज करना चाहेंगे आज, आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? हम तो सरकार से ये अपील करते हैं हर वक्त कि हमारे पिताजी को संत डॉक्टर गुरमीत रामरहीम सिंह इंसा जी को जल्दी से जल्दी इस आश्रम में हमारे बीच में लेके आए, ताकि ये जो दोबारा से फिर से बुराइयां बढ़ चुकी हैं, लोग फिर से गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो वापिस आ सके, वो फिर से एक सच्चाई की राह पे चलने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए, और जानकारी के लिए देखते रहिए द फैक्ट। आई थैंक यू।